पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कल गोली मारकर कर दी गई थी। मूसेवाला की हत्या किसने की, इसकी जांच में अभी पुलिस जुटी ही हुई थी, तभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मूसेवाला के हत्या से कनेक्शन जुड़ गया। दरअसल गैंगस्टर गोल्डी बरार ने अपने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि उसने विक्की मधुखेड़ा के हत्या का बदला सिद्धू मूसेवाला की हत्या करके लिया है। दरअसल 8 अगस्त 2021 में विक्की मधुखेड़ा की हत्या हुई थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का हाथ बताया जाता है। विक्की यूथ अकाली का नेता था। विक्की का करीबी गोल्डी बरार था, और जब विक्की मधुखेड़ा की हत्या होती है तो इस हत्या का आरोप कौशल गैंग पर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे हत्या में सिद्धू मूसेवाला कहां से आ गया। बता दें कि लक्की पटियाल के करीबी था सिद्धू मूसेवाला, और मूसेवाला पर विक्की मधुखेड़ा के हत्या के समय मुखबिरी करने का आरोप लगा था, और ऐसा आरोपी का कहना था। यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि पंजाब के DGP ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गोल्डी बरार ने करवाया है। मूसेवाला के हत्या से कुछ समय पहले ही उनकी सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या में कमी की गई थी। दरअसल पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसेवाला को 10 गनमैन के साथ सुरक्षा दी थी, जिसे घटाकर 4 कर दिया गया था, और बीते शनिवार को इसमें और कमी करके 2 गनमैन के साथ मूसेवाला की सुरक्षा की जा रही थी। लेकिन वारदात के समय मूसेवाला अकेले था, उसके साथ कोई भी गनमैन नहीं था। आमतौर पर सिद्धू कहीं भी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से जाता था, लेकिन वारदात के समय वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं था। इस पूरी घटना के पीछे किसी के द्वारा मुखबिरी करने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन पूरा सच जांच के बाद ही पता चलेगा। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग पहले भी कई हत्या और हत्या के प्रयास में सुर्खियों में रह चुका है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारने की भी धमकी दे चुका है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है, और बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है, लेकिन सलमान खान पर काले हिरण की हत्या का आरोप है। इसी से नाराज होकर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल लॉरेंस जेल के अंदर है, और बताया जा रहा है कि गोल्डी बरार कनाडा में है।